और सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो मिस्र के दौरे पर है और 1000 साल पुरानी अल हकीम मस्जिद का दौरा कर रहे हैं, और इस दौरान उनके साथ कई सारे मुस्लिम धर्मगुरु भी आपको नजर आएंगे। और इस मस्जिद का बहुत ज्यादा महत्व है, वहां की तस्वीरें, वहां का इतिहास जानने की कोशिश। और इस मौके पर अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत ज्यादा लोग, मुस्लिम समुदाय के बहुत ज्यादा लोग, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक भी हैं, इस मौके पर जमा थे, जहां उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। अल हकीम मस्जिद है, 1000 साल पुराना इसका इतिहास है, और 2 दिवसीय मिस्र के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी, और इस दौरान वो अल हकीम मस्जिद भी पहुंचे, जहां धर्म गुरुओं से मुलाकात की उन्होंने। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के बहुत ज्यादा लोग इस मौके पर इकट्ठा थे, उन सभी से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि इस वक्त मिस्र में क्या चल रहा है, और खासकर इस मस्जिद का महत्व क्या है, कितनी पुरानी यह मस्जिद है, और मिस्र जाने वाला कोई भी शख्स इस मस्जिद का दौरा जरूर करता है, इसीलिए सरकारी प्रोटोकॉल में भी इस मस्जिद में जाने का कार्यक्रम था, और उसी कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं अल हकीम मस्जिद। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बोहरा समाज ने दरअसल इसका जीर्णोद्धार 1980 में कराया था, और बोहरा समाज के जरिए ही इसका जीर्णोद्धार कराया गया। 11वीं शताब्दी की ये अल हकीम मस्जिद है, लेकिन इसमें जो योगदान रहा है बोहरा समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख पा रहे हैं, उनकी तरफ से, बोहरा समाज के प्रतिनिधियों की तरफ से भेंट भी की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी को। और बोहरा समाज से भी मुलाकात की गई थी जब मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष भारत यात्रा पर थे, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर जब भारत यात्रा पर थे तो उन्होंने भी बोहरा समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। और प्रधानमंत्री जब मोदी मिस्र में हैं, काहिरा में हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे हैं बोहरा समाज के प्रतिनिधियों से। अल हकीम मस्जिद में ये मुलाकात हो रही है, इस मस्जिद का लगातार जायज़ा ले रहे हैं, और जो ख़ास बात है वो ये कि 11वीं शताब्दी से जुड़ी हुई मस्जिद है, लेकिन जो इसका पुनर्निर्माण करवाया गया वो 1980 में कराया गया, और इसके लिए बोहरा समाज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अचल मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, उनसे बातचीत करते हैं। अचल जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी, क्योंकि इस्लामिक का देश है इजिप्ट, और इस्लामिक देश के साथ इस तरह से मजबूती से संबंध आगे बढ़ाना, मस्जिद का दौरा करना, 11वीं शताब्दी से जुड़ी हुई मस्जिद का दौरा करना, आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा हम जानते हैं कि मिस्र इजिप्ट के साथ भारत के जो संबंध है वो ऐतिहासिक है, एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं। बीच में कुछ ऐसा दौर ज़रूर आया था, जब मैं ऐतिहासिक की बात करता हूँ तो अशोका के टाइम से आप शुरू हो जाइए, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में दोनों देशों ने दूसरे देशों के साथ मिलकर नॉन अलाइन मूवमेंट का जो है फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं, उसके बाद काफ़ी समय इंटरेक्शन रहा, बट बहुत सारे कारण थे कि बीच में एक आप कह सकते हैं कि गैप आ गया है। तो मेरे हिसाब से जो प्रेसिडेंट इजिप्ट के जब आए थे हमारे रिपब्लिक डे पे, और वहाँ हमने जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पे एग्रीमेंट हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि दो देशों के बीच की दोस्ती का एक नया दौर है जो वो शुरू हुआ है, और इस विजिट से अब इसे आगे बढ़ाने की बात है। अब सवाल यह है कि इसके पीछे जो हमारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, इसके 4 या 5 कंपोनेंट है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ट्रेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, कल्चर है, और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स हैं। तब इसमें कॉन्टेंट भरने की नीयत से, इरादे से इस विजिट को लिया जा रहा है। ये इम्पॉर्टेंट इजिप्ट इसलिए भी हो जाता है, इजिप्ट की इम्पोर्टेंस कई लिहाज से है। एक तो ये अरब वर्ल्ड को जो हम आउटरीच कर रहे हैं, ये मिडल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी आउटरीच का एक हिस्सा है। इस्लामिक वर्ल्ड में ये लिबरल वैल्यूज रखते हैं। और विस्तार से हम आपके साथ समझेंगे, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। देखिए, एक और बड़ी खबर इस बीच ये कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की है, बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी की नीतियां बेहतरीन है ये कहा उन्होंने, और साथ ही भारत में सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो देखिए, बहुत बड़ा बयान है ये, सभी समुदायों के बीच सह अस्तित्व है, और साथ ही पीएम मोदी की वजह से भारत में काफी विकास हुआ है। ये देखिए, मिस्र की ओर से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई है।
Today I was honored, I mean lot, to meet His Excellency Prime Minister Modi, and it was a very nice and interesting meeting. In fact, actually he reflects the wise leadership, and for a country, for a big country like India, our meeting today is actually our second interaction, as we have met earlier in Delhi in one of the Sufi conferences there. And between the two meetings, I have noticed that there is a great development in India. And also this reflects that he is always and continuously working there in India. And also it reflects that the wise policies that being adopted by Prime Minister Modi in bringing coexistence between the various factions, I mean, there in India. At the religious level, I must say that we have also, I mean, strong cooperation between us and India, and we are looking forward to further enhancing and deepening this cooperation in the future.